लेस बजट प्रोटीन सोर्स। तो आज अपन डिस्कस करेंगे ऐसे पांच हाई प्रोटीन सोर्स जो लेस इन बजट है, साथ में आपको हेल्प करेंगे आपके मसल बिल्डिंग के लिए। तो मैंने इसमें डिस्कस करें ऐसे पांच हाई प्रोटीन सोर्स जो लेस इन बजट भी होंगे और साथ में अच्छा खासा प्रोटीन भी प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में मैंने थर्ड पॉइंट पे एक मेंशन करा हाई प्रोटीन सोर्स, जो कि आज तक बहुत कम लोगों ने इस प्रोटीन सोर्स के बारे में डिस्कस करा है। वो अराउंड आपको 70 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। मैं खुद इस प्रोटीन सोर्स जानने के बाद खुद चौंक गया था, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटीन कैसे होगा, लेकिन मेरे को विश्वास नहीं था। मैंने गूगल करा, वहां पे भी देखा, तो इसमें अराउंड 70 ग्राम प्रोटीन मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से ऐसे हाई प्रोटीन सोर्स हैं जो आपकी हेल्प करेगी मसल बिल्डिंग के लिए। पहला आता है जो आपको अच्छा खासा प्रोटीन प्रोवाइड करेगा, वो है अपना पीनट। पीनट हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है, साथ में इसमें हेल्दी फैट्स भी है, साथ में अच्छा खासा कार्ब्स प्रोवाइड करता है। ये आप कहीं 50 ग्राम पीनट लेते हैं अप्रॉक्स एक मुट्ठी, तो इसमें आपको 13 से 15 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में आएगा। साथ में प्रोवाइड करेगा आपको 230 कैलोरीज। पीनट की कहानी यहाँ पे बस खत्म नहीं होती। पीनट का एक और फायदा है, कहीं आप पीनट और बादाम को कंपेयर करेंगे तो आप सोचेंगे बेटर कौन सा होगा, आप सोचेंगे कि बादाम बेटर होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आप मूंगफली को ज्यादा अच्छा मानिए, क्योंकि मूंगफली कम रेट के साथ साथ इसमें उतना प्रोटीन मिलता है जितना बादाम में मिलता है। बादाम सिर्फ इसलिए महंगा, उसकी कुछ डिमांड ज्यादा है और थोड़ा उसमें विटामिन ई और कुछ मिनरल्स के कारण वो महंगा है। लेकिन उसी तरह उसी जगह पे कहीं अपन मूंगफली को कंपेयर करेंगे, मूंगफली ज्यादा बेनिफिशियल है, कम रेट में उतनी अमाउंट ऑफ अपन को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। बढ़ते अपन दूसरे वेज प्रोटीन सोर्स की ओर, वो है अपने सोया चंक्स। कहीं आप 50 ग्राम ऑफ सोया चंक्स लेते हैं तो उसमें अराउंड 24-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। सोया चंक्स यहाँ पे खत्म नहीं होता, सोया चंक्स की कुछ लिमिटेशंस है। जैसे आप सोया चंक्स को वीक में 3 से 4 बार ले सकते हैं, लेकिन वो 50 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहीं वो 50 ग्राम से ज्यादा होगा या फिर 2 या 3 बार से ज्यादा ले लिया तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ सकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इज बेसिकली अ फीमेल हार्मोन। फीमेल हार्मोन बढ़ने के कारण आपको मैन बूब जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन उसी तरह देखा जाए तो सोया चंक्स एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेटर ऑप्शन है आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी करने के लिए। बढ़ते हैं अपन तीसरे वेज हाई प्रोटीन सोर्स की ओर। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी मेंशन करा था कि मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ एक ऐसा हाई प्रोटीन सोर्स जिसमें आपको मिलेगा 70 ग्राम प्रोटीन। मैं खुद इस सोर्स को पढ़ने का मेरे को विश्वास नहीं होता कि इस सोर्स में 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन प्रोवाइड होगा, क्योंकि मैं आज तक इतना ज्यादा परेशान थी कौन सी वेज डाइट सोर्स होगी जिसमें इतना ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। वो है अपना सेतन। सेतन जो है वो बेसिकली ग्लूटेन है और इसमें आपको 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं या गूगल में सर्च कर सकते हैं हाउ टू मेक सेतन एट होम। इसकी रेसिपी बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप इसको घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस सेतन की एक लिमिटेशन आती है, कहीं आपको ग्लूटेन से प्रॉब्लम है तो प्लीज आप इसे मत लीजिएगा, आपको इससे डाइजेशन या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। बढ़ते हैं अपन फोर्थ वेज प्रोटीन सोर्स की ओर, वो है अपने स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हाई इन प्रोटीन के साथ साथ हाई इन फाइबर है। अप्रॉक्स 100 ग्राम ऑफ स्प्राउट में आपको 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा, जो कि एक और बहुत अच्छा सोर्स है आपकी प्रोटीन इंटेक पूरी करने के लिए। बढ़ते अपन फिफ्थ वेज प्रोटीन सोर्स की ओर, वो है अपने पनीर। आप कहीं अपना बजट थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छा बेटर ऑप्शन होगा अपने प्रोटीन इंटेक करने के लिए। पनीर में अप्रॉक्स 100 ग्राम में 20-20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। साथ में हाई प्रोटीन के साथ साथ इसमें होते हैं हेल्दी फैट्स, जो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ये रही अपनी पांच ऐसे हाई प्रोटीन सोर्स जिसमें मैंने मेंशन करा था थर्ड पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई प्रोटीन है। कहीं आप इस प्रोटीन के बारे में अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में बताना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करिए, साथ में सब्सक्राइब करिए अपना चैनल न्यूट्रोवेब। मिलते हैं अगली वीडियो पे।